महोबा में एक शादी समारोह में 3 दर्जन से अधिक हमलावरों ने विदाई कार्यक्रम के दौरान घर पर हमला कर दिया। हमले से परिजनों और रिश्तेदारों में चीख पुकार मच गई। परिजनों का कहना है कि हमलावर तलवारों और असलाहों से लैस थे। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। मामला महोबा शहर कोतवाली स्थित कसौरा टोली का है, जहां रहने वाले दलित समुदाय के परिवार में शादी समारोह का कार्यक्रम था। आज विदा के समय 3 दर्जन से अधिक हमलावर असलहे और तलवार लेकर पहुंच गए। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चियों के साथ अभद्रता और मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर कोतवाली पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। हम लोग बताओ, हम लोग यहाँ शादी करेंगे कि हम किसी से लड़ाई करेंगे? पहले हमें वो ये लोग बताना ना, कैमरा में दिखा ना, चाहे कैसे मारा खचेगा, देखो ना, देखो घूसा कैसे मारे, चल चल। धमकी भी देगा, हमें बाद में आना, हम लोगों को खतरा है। हमें सहयोग चाहिए। पुलिस भी आई तो उन लोगों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। हमें लोगों को दोषी अचानक से वो ढेर मुस्लिम लोग थे और आए, असला लिए थे, तलवार लिए थे और हमारे पैर में चोट भी लगी है और घसीट के हमें मारा भी है। क्या किस बात को लेके आप ये लोग आ गए? हम लोगों को पता है, हम लोगों को, हम लोग पहले से जो बोल रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे थे नहीं, तो हम लोग वहाँ से आए लड़की की विदा होने के लिए यहाँ पे। क्या हो गया है? मेरी बेटी की कल शादी थी जी, जिससे मैं शादी के कार्यक्रम में वहाँ कृष्णा मंडपम में, मैं शादी के कार्यक्रम में मैं रात में वहीं रहा हूँ और सुबह 10 बजे पहले से खाली करना होता है, तो मैं कुछ अपना सामान अपना लेके वहाँ से खाना पीना का लेके मैं रिक्शे से आ रहा था। यहाँ पे चौराहे में बहुत भीड़ भाड़ थी और मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी और मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है और शादी करने के उपरांत मैं विदाई घर से करूँगा। तो मैं घर से विदाई करने के लिए वहाँ गेस्ट हाउस खाली करके घर से विदाई करने के लिए सर आ रहा था और यहाँ लड़ाई का माहौल था और काफी 15-25 लोग और बल्कि 30-40 लोग थे और जबरदस्ती एक बढ़ावा देके और मारपीट में मेरे से शुरू कर दी। अच्छा, तो लोगों ने आप सभी लोगों को मारा? हाँ, और इसके बाद बच्चों को खेती निताड़ने लगे। अब क्या है ना, हम लोग सब शादी वाले माहौल में थे, लेडियां भी थी, तो यहाँ पे ऐसा माहौल बना लिया था कि हमारी लेडियां घबरा दें और बहुत परेशान हो गई। पुलिस आई क्या? हाँ सर, सर 15-20-25 मिनट बाद पुलिस आई है। हाँ, वो आई है और वो तब तक भाग चुके थे। कौन लोग थे वो लोग? वो मैं उनको पहचान ही नहीं सका यहाँ, लेकिन यहाँ ये भीड़ भाड़ का माहौल मुस्लिम कौम ने बनाया था और उन्होंने ये हमारे साथ में व्यवहार किया और मारपीट की, ये बात हुई। सर, क्या नाम है आपको, क्या घटना हो गई है? मेरा नाम मंजू है सर, ठीक है ना। मेरे घर में लड़की की शादी थी, ठीक है, कोई रिश्तेदार था या कोई भी था, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है कि इसके बीच में क्या मैटर होगा, ठीक है। जैसे लड़की आई हमारी, उसने वो गाड़ी लेके आया, लड़की हमारी जैसी उतरी उसने हमें तुरंत गाड़ी यहाँ ऐसी अड़ा दी, धक्का लग गया लड़की को, तो हमने कहा कि तमीज नहीं है क्या, लड़की उतर रही है तो थोड़ा आप रुक भी तो सकते हो, तो उसने है ना तुरंत बहस की और बहस करने के बाद वो तुरंत नहीं है ना गाली गलौज करने लगा, तुरंत कहा कि आदमियों को बुलाओ, आदमियों को इकट्ठा किया, जबकि लड़की को पिता को ये पता नहीं था कि यहाँ क्या घटना हुआ है, क्या वो गेस्ट हाउस से सामान लेके आया और इतने आदमी यहाँ से वहाँ तक पूरी भीड़ थी, घसीट के मारा उस बाप को, मारा उसको, मारा हम लोग उनके पैरों के नीचे पड़े थे कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो बाप है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को नीचे, यहाँ एक लेडीज यहाँ गेट पे खड़ी थी अंदर, वो लोग थे जो जिन्होंने मारा है ऊपर को 14
कादरी नाम का कोई शख्स है, उसने कहा है कि सब आदमियों को इकट्ठा करो। हाँ मुसलमान लोग थे, कम से कम 60-70 आदमी थे, 60-70 2000 से ऊपर समझ लो। महिलाओं को भी मारा है, महिलाओं को भी मारा है, लड़की हमारे पैरों की, उसको उनके पैरों में दुल्हन ऐसी ब्लाउज और पेटीकोट में बांध के अंदर जाने ऐसी मेरे बाप को मत मारो लेकर उन लोगों ने नहीं छोड़ा हमें। पुलिस प्रशासन पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने, पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी हम लोगों को कह रही क्या है तुम नौटंकी बगरा रहे, लड़की की विदाई करो, क्या है ये क्या है, हमारे हम दलित तो क्या हमारे जीने का हक नहीं है, हम दलित तो क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम जी नहीं सकते सर उठा के। लोग थे उन्होंने भैया को, भैया आ रहे थे वहां से शादी से आ रहे थे लौट रहे थे, उन्होंने बस भैया को देखा और मारना पीटना शुरू कर दिया और हम लोग बचाने के लिए गए कि अपने भाई को बचाएंगे, उन लोगों ने हमें भी मारा पीटा, देखो हमारी चूड़ी तोड़ गई, उन्होंने मारना हमें भी मारा, सबको मारा, लेडीजों को सबको मारा। मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोग थे, उनका चेहरा पहचानते पर नाम नहीं पहचानते, बस ये तो सारे के सारे आए थे हमारे बच्चों को मारो, चौधरी चौधरी नाम है, चौधरी और यही का मोहल्ले का है वो, ये लड़की का भाई है, इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा, उनने बहुत मारा इन लोग। हमारे भी तो कुछ अरमान थे कि हमें अपनी लड़की कैसी विदाई करनी है, हमारे हमारी लड़की ऐसी भाग के आई बाहर पैरों के नीचे पड़ी है, ये क्या है, है?